सरस्वती माता देंगी, महादेव देंगे, उसके गाना नहीं बुलाया, ये अपमान की बात है। और एक स्त्री अपने पति परमेश्वर की पहचानी नहीं सह सकती, इसलिए हे नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। महादेव कहते हैं कि नहीं, मत जा, छोड़ो, तुम्हारे पिता ही तो है। माता कहती है कि जो नियम नियति हमने बनाया है, यज्ञ बिना ब्रह्मा विष्णु महेश के नहीं हो सकते, ब्रह्मा विष्णु को उपस्थित हुए महेश ही नहीं है, तो उस यज्ञ का क्या लाभ जो यज्ञ काम में ना है, और ये अनर्थ होने से मुझे रोकना पड़ेगा। और वहां पर मालूम होता है ये जाएगी तो जरूर आएगी, रिटर्न नहीं। महादेव कहते हैं नहीं, मत जाओ। फिर माता कहती है कि हे महादेव, महादेव नाम नहीं होता, बोले हे शिव, महादेव उस समय नाम नहीं होता, बोलती है कि हे शिव मैं जा तो नहीं हूं, मैं नहीं आया, आई तो समझ लेना कि तुम्हारी सती सती हो गई, परंतु ये अनर्थ मैं नहीं होने और आप क्रोध में नहीं जाना। जब बाबा जाती है, दक्ष राजा से शरारत होता है, सभी देवताओं से शरारत होता है, नहीं मानते, पहले के कुंड बहुत बड़े होते थे, हमारे कुंड बहुत बड़े होते थे, तो लाख बनाने के बाद कोई नहीं मानने को राजी होता। जब उसे संस्कार दिया गया माता का, तो माता जब रिटर्न आने के दरमियान में देखा कि इस भवन के अंदर ही अपने आप की आहुति दे देते हैं, सब समाप्त होता है। जब हवन के पास रिटर्न आती है और बोलती है कि हे दक्ष राजा, तुझे मैंने वरदान दिया था कि तेरे घर में मैं कन्या बन के आऊंगी, जिस दिन तू अनर्थ करेगा उस दिन तेरी क्षमापति बहुत नजदीक आ जाएगी, इसलिए मैं इस हवन के अंदर अपने प्राण को त्याग रही हूं। इसीलिए कहते हैं हे महान हो आप, शिव महान हो, आज से आपका नाम महादेव रखा जाएगा, आप महादेव हो, महान हो, आप मुझे समझना है और मुझे यहां तक आने की अनुमति दी, और वो हवन कुंड में गिर जाता है। ये सब सालों में टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, आगे की बात उसने देखा है, अब आगे क्या होता है। महादेव को पता चलता है, कंट्रोल होते हैं, उन्होंने वीर भद्र को भेजा, दिया, उन्होंने कसम खाई थी, माता ने बोला था अगर मेरा कुछ भी हो जाए तो मेरे बाप को माफ कर देना, राजा दक्ष को माफ कर देना, परंतु बाप को अपने जवान से कोई भी कोई कठोर शब्द नहीं बोलना ताकि उनको पछतावा हो। राजा दक्ष सिर्फ धड़ अलग कर देते हैं, वीर भद्र खा जाते। उसके बाद सब शांत होता है, महादेव पहुंचते हैं, महादेव पहुंचते हैं उस हवन कुंड को देखते हैं, अब हवन कुंड हो गया शमशान, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो जब जब उसके अंदर जब कूदने जाते हैं तो नारायण कहते हैं, महादेव जिस सृष्टि को आपने बनाया, सारे नियम लागू किया, उन सभी के भावनाओं को लेकर इस हवन कुंड में कूद जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा,
मां जो कहते हैं कि नारायण मुझसे मेरी शक्ति छीन हो गई है, अब मैं क्या कर सकता, इससे अच्छा है कि मैं और नहीं समाप्त हो जाओ सभी के साथ में कहीं और एक दुनिया में। कहते नहीं मार नहीं आप अपना परेशानियों में मत जाओ, आपके ऊपर पूरा भार है, पूरे विश्व का भार है। महादेव कहते हैं कुछ क्षण के लिए मुझे यहीं पे रहने दो, तुम्हारे नियम और नियमों को मैं एकाग्र करके मैं इस आसमान की ऊंचाई पे छोड़ रहा हूं, जब मैं यहां से बाहर आऊंगा तो फिर धारण करूंगा। उन्होंने सारे कार्य करके अपने मन को चिंतन में ला के सारी चीजों को रखा इधर और हवन कुंड के अंदर गोद हुए। अब टीवी सीरियल में दिखा था कि हवन कुंड में हाथ डाला और शरीर को उठाया आगे चले गए, ऐसा कुछ नहीं, वहां से अधूरी प्रथा का स्टार्ट हो गया प्रारंभ। जब हवन कुंड में कूदे तो दुनिया अलग बन गई, संसार माता आदि शक्ति परमेश्वरी संसार वासिनी के नाम पे संसार में वास कर गए और महादेव वहां अघोरी बन के बैठ गए, वही संसार में रह गए और माता सती दूसरे को प्रजन दे दी। इस सृष्टि में बहुत तहस नहस हो गया, दानवों के संघार, दानव संघार करने लगे, देवताओं महादेव की सर बुद्धि तो हो गई थी उस समय, ऐसा नहीं थी वो जानते नहीं है कि हम क्या है। माता को वहीं पर महसूस करते उसी रूप में देखने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। पर्वतराज के पास जन्म लेती है माता, जन्म लेते ही जो है उनकी भक्तनी हो जाती और उसके बाद कहानी में मोड़ आता है। लोग कहते हैं दुख किसने काटा है, राम भगवान कृष्ण, अगर इस पृथ्वी पे इस पूरे ब्रह्मांड में किसी ने दुख काटा है वो महादेव ने काटा है। सबसे दुख सबको देखे जाते हैं लेकिन महादेव का दुख कौन देखेगा भैया, वो अपने दुख में रहने के पश्चात संसार का परिवेश है देखना, संसार में जीव जंतुओं को पालना उनका कर्तव्य है, इसीलिए कहा गया है महान महादेव। सदा सर्वदा हम सभी ब्रह्मज्ञानियों को यह याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर शिवी है, हमारे अंदर जो आत्मा है एक चिंगारी है जो वो द्वारा संस्कृति है और हमारे समाहित हो गई है लाश में समाप्त हो, तो हमें उनके ध्यान देना चाहिए, महादेव का स्मरण करना चाहिए, माता का करना चाहिए, तो सब कुछ सफल होगा। अन्यथा तो वही गाना होगा जन्म जन्म तक हम भटके, बोलेंगे जन्म जन्म तक तू है भटका, अब तुम अपने ही कर्मों से बनाया तूने उद्धार हो जाएगा, तो अपने आप में साकार हो जाएगा, तब मैं तेरे लिए खड़ा हूं, वरना क्या मूर्ति भी अपने पछवाड़े में लेने के लिए हमने सिखाया है क्या हा? तो इसमें ना दोष महादेव का है, ना ब्रह्मदेव का है, ना नारायण का है, अगर दोष है तो हमारा अपने आप का है, जो हम अपने आप में चिंतन नहीं करते, बस पैसे आ गए खुश हो गए भगवान को भूल गए।